दिनांक 15/11/17 को फरियादी संस्कार हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। रात के 8 बजे ड्यूटी ख़त्म होने के बाद ये घर जा रही थी। रास्ते में एक फोर व्हीलर गाड़ी खड़ी थी, सेंट्रो गाड़ी। उसने रास्ता मांगने के लिए हॉर्न बजाया, उसने रास्ता भी दिया। और जैसे ही फरियादिया थोड़ी आगे गई तो जो सेंट्रो गाड़ी में बदमाश बैठे थे उन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं, जिससे जो सुनने में बुरे लग रहे थे, और कमेंट्स करके फरियादिया के घर तक पहुँचे। आज जब फरियादिया मार्केट में कुछ काम से पति के साथ जा रही थी, फरियादिया को वो ही सेंट्रो गाड़ी दिखी। फरियादिया ने उसके पति को बताया और उस गाड़ी का पीछा किया। सलूजा हॉस्पिटल के यहाँ उन्होंने बताया कि वो फिर जैसे ही सेंट्रो गाड़ी रुकी वहाँ उस लड़के को पहचाना और उसके जो भी रिश्तेदार हैं उनको बुलाया और फिर थाने पे लेके आई है। थाने पे धारा 354D का प्रकरण पंजीबद्ध किया है और आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। इसमें फरियादिया ने 2 आरोपी बताया। आज राकेश परिहार निवासी बावड़िया को साथ में लेके आए और दूसरा आरोपी अभी पंकज देशमुख जो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ उसको भी जल्द गिरफ्तार करें।